स्वागत है दोस्तों फिर से आप सबको मेरे चैनल में। मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लाइस पे एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको नहीं पता है स्लाइस पे क्या होता है, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि स्लाइस पे का क्या इस्तेमाल होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आप जाके देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जो स्लाइस पे का अकाउंट है या ऐप है, ये आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी देता है और आप साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है। तो उस क्रेडिट कार्ड से आप नॉर्मली कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, जैसे इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें, नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी है। और भी अगर आप ईएमआई पे कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाके पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप स्लाइस पे का जो एप्लीकेशन है उसमें कैसे अप्लाई करें, अपना जो स्लाइस पे का क्रेडिट कार्ड है उसे कैसे अपने घर पे डिलीवर करें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो आप चले जाइए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे जाने के बाद देखिए आपको प्ले स्टोर या आईओ स्टोर, जो भी फोन आप यूज करते हैं उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर में या आईओ स्टोर में जाके यहाँ पे टाइप कर दें स्लाइस पे। अब जैसे यहाँ पे स्लाइस पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद देखिए आपको कुछ ये स्लाइस पे का एप्लीकेशन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्लाइस पे का एप्लीकेशन जो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ परमिशन आपको ग्रांट करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक टिक करना है। टिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे देखिए परमिशन अलाउ करने के लिए मांग रहा है, तो आप इसे अलाउ कर दें। तो यहाँ पे देखिए जीरो फी कार्ड, तो और यहाँ पे देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं, जीरो फी कार्ड का, नो कॉस्ट ईएमआई एंड मोर। और देखिए क्विक पेपरलेस अप्रूवल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंटरफेस पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है स्लाइस पे की तरफ से, तो आपको ये कार्ड का कोई चार्जेस नहीं देना है, आप इजिली इसे फ्री में यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे गो एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे ओटीपी डालना है आपको। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक हो रहा है, मतलब जो सिम है वो मेरा वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू स्लाइस पे, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई इन्वाइट कोड है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखिए स्किप पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेटा पर डालने के बाद नीचे आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट योर प्रोफाइल, तो आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे केस में स्टूडेंट हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे गो एरो के ऊपर क्लिक करना है नीचे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना कॉलेज नेम प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना कॉलेज नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे डालूंगा तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन शो करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मेरा कॉलेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है अलंकार न्यूटन बेंगलुरु, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया में ये फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली ये सिटी सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद देखिए आपको गो नीचे टैप करना है। नीचे टैप करने के बाद देखिए एंटर योर ग्रेजुएशन, मतलब जब भी आप ग्रेजुएट होने वाले हैं तब का डेट आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद देखिए आपको ओके पे क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए आपका जो कॉलेज आईडी है उसे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना कॉलेज आईडी अपलोड कर लेता हूँ फ्रंट और बैक का। तो यहाँ पे देखिए कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास पहले से ही फोटो है आप अपलोड कर सकते हैं, तो मिला मेरे पास फोटो नहीं है तो फिलहाल, तो मैं यहाँ पे देखिए टेक ए फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फ्रंट आईडी है उसे अपलोड कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे बैक आईडी अपलोड करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं बैक आईडी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना दोनों आईडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे यहाँ पे पेरेंट्स ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे केस में यहाँ पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मेरे पेरेंट्स, तो वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बिजनेसमैन मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पे देखिए करंट अकोमोडेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पीजी है या हॉस्टल है विद पेरेंट्स, तो यहाँ पे मेरे केस में विद पेरेंट है। उसके बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करना है जो ये एरो है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई एक कॉलेज का जो फ्रेंड है आपका, कॉलेज का फ्रेंड, उसका नाम यहाँ पे और नंबर सजेस्ट करना है आपको यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, एक फ्रेंड का नेम सजेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसका जो फ्रेंड का नेम है आप यहाँ पे एडिटेबल है, एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएगा। ये दोनों डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे राइट एरो के ऊपर क्लिक करना है नीचे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कनेक्ट विथ फेसबुक और कनेक्ट विथ लिंक्डइन, अगर आपके पास दोनों में अकाउंट है तो कोई एक अकाउंट आप डाल के यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, तो मैं फेसबुक अकाउंट के जरिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक के जरिए लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू या सिंक करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए मेरा फेसबुक से ये जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे नीचे गो के ऊपर क्लिक करना है।
नीचे जो एरो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे सब कुछ डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे देखिए मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए अपना मदर का नाम डालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने मदर का नाम डाल देता हूँ। मदर का नाम डालने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का फोटो, फ्रेंड फोटो अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आई डोंट हैव पैन यहाँ पे नीचे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पैन कार्ड है वो अपलोड हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। पैन कार्ड अपलोड होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक परमानेंट एड्रेस का जो भी आपको प्रूफ यहाँ पे देना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में आधार है, तो मैं यहाँ पे आधार सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए मैं अपने आधार का फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर चुका हूँ। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो अभी आप प्रेजेंट एड्रेस पे रह रहे हैं आप यहाँ पे डाल दें पूरा चीज़, यहाँ पे पिन कोड ये सब वगैरह। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो मेरे केस में दोनों एड्रेस मेरा सेम है, तो मैं यहाँ पे दोनों एड्रेस को सेम डाल देता हूँ। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है सेम कॉपी करने का, जो ऊपर का एड्रेस है आधार कार्ड का। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना एड्रेस फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एरो के नीचे एरो के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करना है अपना। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एक सेल्फी अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूछेगा। यहाँ पे आई अग्री टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे देखिए आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। सिग्नेचर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे राइट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा एक ऑप्शन आ गया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू स्लाइस, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। तो ये जल्दी आपको नोटिफाई करेंगे आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक करके कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। स्लाइस पे का अकाउंट है, जैसे ही अप्रूव्ड होता है या वेटिंग लिस्ट खत्म होता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इंतजार करता हूँ अपने अगले वीडियो का, तो ये बताना पॉसिबल नहीं होगा कि कितने दिन में ये आपका वेटिंग लिस्ट खत्म होगा। कभी कभी 10 दिन लगते हैं, कभी 5 दिन लगते हैं, कभी 2 ही दिन में अप्रूव्ड हो जाता है, कभी 7 डेज लगते हैं, और कभी कभी तो होता भी नहीं है। 6 मंथ 7 मंथ 1 ईयर तक ऐसे ही आपका वेटिंग लिस्ट में रहता है। ये टोटली डिपेंड करता है स्लाइस पे वालों के ऊपर, अगर वो आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं कि नहीं। जैसे ही अकाउंट अप्रूव होता है तो मैं तुरंत इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ दिखाया आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे अप्रूव्ड होगा तो मैं उसके ऊपर जैसे कि आपको बता चुका हूँ वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स भी है, उसमें भी फॉलो करके मेरे से बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।